पूर्व छात्रों ने किया अपने गुरुओं का सम्मान। आपको बता दें कि जिन बच्चों को अध्यापक नरेश कुमार ने 15-20 साल पहले पढ़ाया था, उनको ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाया था, आज उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में साक्षरता दिखाई है। साथ ही साथ उन्होंने अपने गुरुओं का सम्मान भी किया। वही प्राइमरी अध्यापक नरेश कुमार का कहना है कि उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज कहीं फौज, पुलिस, रेलवे, तकनीकी और खेल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अपने स्वयं के रोजगार में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बातचीत करवाते हैं अध्यापक नरेश कुमार से, क्या कहते हैं वो अपने शिष्य के विषय में? नमस्कार जी, ये मैं नरेश कुमार, एक प्राइमरी अध्यापक, मेरा गांव धांधलान है। मैंने आज से 15-20 साल पहले जिन बच्चों को प्राइमरी विंग में पढ़ाया, आज वो पौधा जो मैंने उस प्राइमरी विंग में लगाया था, वो आज बढ़कर बहुत बड़ा विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। और आज वो बच्चे, वो मेरी फसल आज हमारे समाज में, हमारे आसपास के गांव में ये फलीभूत हो रहे हैं। कोई बच्चा खेल में, कोई फौज में, कोई आर्मी में, कोई रेलवे में, और कोई बच्चा अपना प्राइवेट धंधा करके एक बढ़िया सामाजिक तौर पर बहुत अच्छी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। ये आदित्य जो बीएसएफ में स्पोर्ट्स की तरफ से, सोमवीर ये अपना बिजनेस है इसका, पवन ये सारे, संदीप रेलवे में, सुनील आर्मी में, ये दीपक एक फार्मेसिस्ट है, और ये बच्चे कोई मेट्रो, कोई रेलवे, कोई किसी डिपार्टमेंट में अपनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। मेरे लिए आज बहुत ही खुशी का मौका है, तो मैं चाहता हूँ कि एक समाज में भी इस तरह का अच्छा मैसेज जाए कि एक अध्यापक जो एक दीपक की तरह होता है, जो जलकर समाज को रोशन करता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सभी के बच्चे जो अपनी लाइफ में सक्सेस हों, और अपने माँ बाप का, समाज का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।